नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम कनेक्शन करने वाले हैं फर्राटा फैन के। तो दोस्तों ये टेक्नीशियन के लिए नहीं है जो घर पर रहते हैं, उनके लिए है जो इलेक्ट्रिक में कुछ भी नहीं समझते हैं और वायरिंग भी नहीं करते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो उनको कनेक्शन करना नहीं आता है तो उनके लिए ये वीडियो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो इसमें है 3 स्पीड, तो ये है इसमें मेन वायर। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले इसको मेन से जोड़ना है, एक लाइन इसमें डायरेक्ट रहेगी, इस वायर को हमको ऐसे जोड़ना है। और इस पर लगाना है टेप। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से हमको एक जो बाहर से वायर आएगा मेन लीड का जो वायर है उसको हमको इस तरह से जोड़ना है। तो दोस्तों मेन वायर का कनेक्शन हो चुका है, ये ब्लू वायर है तो इसका कनेक्शन हो चुका है। अब हमारे पास बचे हैं 3 वायर, रेड, वाइट और ब्लैक। तो अब हमको करना क्या है, ये जो वायर है मेन वायर ये हमको स्विच के अंदर लगाना है। तो इसमें सप्लाई का है, आपको मैं स्विच को खोल कर दिखा देता हूँ। यहाँ से L लिखा हुआ है, वहाँ पर हमको लगाना है इसे। तो दोस्तों स्विच के अंदर लिखा हुआ है L, L यानी लाइन, ये देखिए L लिखा हुआ है। यहाँ पर हमको ये वाला वायर लगाना है जो 220 वोल्ट AC का है, ये बाहर की ओर से आता है यानी कि हम सप्लाई देते हैं। तो हमको इस पर L पे लगा देना है इसे। एक वायर हमने ब्लू पे लगाया है, तो बाहर से तो 2 वायर आए हैं 220 वोल्ट के, वो हमको इस तरह से लगाने हैं। अब हमारे पास बचे हैं 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 3 नंबर पर हमको ब्लैक लगाना है, ये वाला जो मोटर के अंदर से आ रहा है इसे हम 3 नंबर पर लगा देते हैं। तीन पर हमने ब्लैक लगाया है, 2 नंबर पर हम वाइट लगा देते हैं। और 1 नंबर पर हम रेड लगाने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारे स्विच के अंदर कनेक्शन हो चुका है, आप फिर से देख लीजिए एक बार। 1 नंबर पर रेड है, 2 नंबर पर वाइट और 3 नंबर पर ब्लैक है, और L पे हमको लाइन का वायर है। तो एक बार हम चला कर देखते हैं इसे, पावर में लगाते हैं फैन को। पहले हम स्विच को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम इसे चेक करने वाले हैं। तो हमने स्विच को इसमें लगा लिया है, टाइट कर दिया है अच्छे से। तो चलो हम पावर लगा कर देखते हैं। तो ये फैन है वो चल चुका है। अब हम इसकी स्पीड है कम और ज़्यादा करके देखते हैं। तो एक बार हम ऑफ कर लेते हैं इसे। फैन है चल चुका है, तो स्पीड है हम बढ़ाते हैं। दोस्तों इस तरह से फर्राटा फैन का 3 स्पीड कनेक्शन रोटर के अंदर, रोटर स्विच होता है उसमें, इस तरह से किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।